निशांत भगत की मनपा आयुक्त से मांग, बुजुर्गों को पहले लगाएं कोरोना वैक्सीन, मुराद सर्कल पर अंडरपास के लिए जताया आभार। बीजेपी के युवा नेता निशांत भगत ने आज मनपा आयुक्त अभिजीत बांगर से मुलाकात की और सानपाड़ा सोनखार क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिकों को सबसे पहले कोरोना टीका लगाने की मांग की। निवर्तमान नगर सेविका वैजयंती भगत और रूपाली भगत के साथ आयुक्त को निवेदन देने के बाद निशांत भगत ने कहा कि कोरोना का प्रभाव बुजुर्गों में अधिक है, इसलिए उनकी जीवन रक्षा को देखते हुए हमने डेटा तैयार किया है जिसे हम मनपा को देना चाहते हैं ताकि टीकाकरण में आसानी हो। बीजेपी युवा नेता निशांत भगत ने और क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। मैंने कहा आपको कि जैसे हमारे एरिया के अंदर सानपाड़ा सोनकार ज्येष्ठ नागरिक सेवा समिति कार्यरत है, साथ ही साथ नगर सेविका वैजयंती भगत, रूपाली भगत और फसीभाई भगत के माध्यम से हम लोग ने प्री रजिस्ट्रेशन, वैक्सीन रजिस्ट्रेशन का हम लोग ने वहाँ पे मुहिम चालू किया था। उसमें बहुत सारे लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया, तो आज राज्य सरकार और केंद्र सरकार के माध्यम से जब भी 1 तारीख को सीनियर सिटीजन को वैक्सीन देने का जब भी उन्होंने फैसला लिया, तो सबसे पहला यहाँ पे हम लोग ने हमारे समिति के माध्यम से और वार्ड के नगर सेविका के माध्यम से हम लोग ने निवेदन दिया कि आने वाले दिनों में 1 तारीख को जब भी वैक्सीन देने की बात आएगी तो सबसे पहला हमारे सीनियर सिटीजन को वैक्सीन देने का काम सानपाड़ा मेडिकल ऑफिसर, वाशी मेडिकल ऑफिसर के माध्यम से हो, ऐसे हम लोग ने निवेदन में कहा है। इस दौरान निशांत भगत ने सानपाड़ा के मोराज सर्कल पर अंडरपास बनाने की मंजूरी देने पर मनपा आयुक्त अभिजीत बांगर का आभार जताया। उन्होंने कहा कि मोराज सर्कल पर अक्सर ट्रैफिक जाम की समस्या और दुर्घटनाएं हो रही थीं, जिससे निजात पाने हमने यहाँ अंडरपास बनाने की मांग की थी जो अब पूरी हो गई है। निशांत भगत ने कहा कि अंडरपास बनने से मोराज सर्कल पर होने वाली परेशानी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। 2015 से हम लोग डिमांड कर रहे थे, उसमें वाघमारे साहब, वो टाइम के कमिश्नर वाघमारे साहब हो, तुकाराम मुंडे साहब हो, फिर उसके साथ अन्ना साहेब मिसाल हो, फिर रामास्वामी हो, 7:30-8 बजे से लेके 9:30-10 बजे तक सुबह ट्रैफिक होती थी, वही शाम में 6:30 बजे से 9:30 बजे तक पूरा ट्रैफिक जाम होता था। वही सीवर्स गार्डन और मोराज के सामने जो रोड है वो पूरा कंजेस्टेड है, उसमें आने जाने के लिए रास्ता नहीं था, तो ऑप्शनल केसर सॉल्टर के यहाँ पे सेक्टर 19 वहाँ पे भुयारी मार्ग बनाने के जब भी हम लोगों ने प्रपोजल दिया, वो टाइम पे अभिजीत बांगर साहब ने, कमिश्नर हमारे, उन्होंने पूरा पॉजिटिव लेके उसका टेंडर निकाला। इसके लिए हम लोग ने आज यहाँ पे उनको आभार प्रकट करने के लिए हम लोग सब हमारे एरिया के सभी ज्येष्ठ नागरिकों को साथ में लेके और सब नगर सेविका यहाँ पे आके हम लोग ने उनका आभार मान के हमने उनको बुके दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।